हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, मेरा एक कॉरियर आया है। 3 सूट मंगवाए थे मैंने कॉटन के। ये देखिए, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ये रानी रंग में है, 2 तो कथा स्टिच के हैं और एक जो है वो पैच वर्क उसमें लगे हुए हैं अजरक के। देखिए आप, कैसा लग रहा है बताइएगा। मैंने सभी सूट में नंबर डाल रखे हैं 1, 2, 3 करके। कौन से वाला कलर डिज़ाइन आपको अच्छा लगा बताइएगा। मुझे तो सबसे अच्छा यही वाला लगा, रानी कलर में। इसमें काथा स्टिच हो रखा है हाथ से पूरा। देखिए, इसमें बैक में भी कढ़ाई करा हुआ है और स्लीव्स में भी, हाथ में भी कढ़ाई किया हुआ है। ये नंबर 1 हो गया सूट। ये दूसरा नंबर का, ये ग्रे कलर का है, डार्क ग्रे, ग्रे बोलेंगे शायद, स्लेटी बोलेंगे। इस पे लाल रंग के धागे से पूरे फ्रंट में कढ़ाई हो रखा है। इसमें भी पीछे कढ़ाई हो रखा है, छोटा छोटा बूटा बना हुआ है। और इसमें भी स्लीव्स में, देखिए स्लीव्स में भी दे रखा है। मुझे तो रानी रंग वाला ज़्यादा अच्छा लगा। रानी रंग वाला थोड़ा कॉस्टली है, ये थोड़ा ठीक ठाक रेट का है। गर्मियों में, अब गर्मियाँ आ रही है, अब गर्मियों में सूट बनवाऊंगी इनके। ये देखिए, ये भी कॉटन का है, मैरून कलर का है। इसमें अजरक प्रिंट का आगे और नेक पे और नीचे पैच वर्क लगा हुआ है। इसमें स्लीव्स में भी लगा रखा है। डेली यूज़ के लिए कहीं टहलने जाओ, बाहर वॉक पे जाओ, बाजार जाओ, उसके लिए सही रहता है इस तरह का सूट। ये देखिए, इस सर्दी का मेरा पहला पिंक गुलाब खिला है छत पे, कितना सुंदर लग रहा है। अब अप्रैल मई तक, अब तो गुलाब का सीजन है, आते रहेंगे फूल। ये देखिए दोस्तों, मैं चटनी बना रही हूँ, आपको पहले भी दिखाया है। धनिया, पुदीना और ये खट्टी मीठे पत्ते जो होते हैं, देखिए कितना सारा निकला है, पूरा भर के निकला है। मैंने इन सब की चटनी बनाई है। ये देखिए, चटनी बना ली है। मैं चटनी में आंवले का जो चूर्ण होता है हमेशा 1 चम्मच डालती हूँ। अगर नहीं है घर में तो अलग बात है, तो नींबू भी डालती हूँ। इसमें मैं नींबू भी डालूंगी। इससे क्या होता है, ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छा रहता है, आँखों के लिए, बालों के लिए अच्छा रहता है। अगर आप नेहा मेहंदी लगाते हैं, कोई भी हर्बल मेहंदी लगाते हैं बालों में, ऑर्गेनिक या आप पत्ते वाली मेहंदी लगाते हैं, तो उसमें भी आप ये 1 चम्मच आंवले का चूर्ण डाल दीजिए। आपके बालों के लिए अच्छा रहेगा, उसमें रूसी नहीं होगा, बाल मजबूत होंगे, काले होंगे, घने होंगे, शाइन करेंगे, बहुत अच्छा रहता है। ये देखिए, मैं अभी आपको गट्टे की सब्जी बनाऊंगी। उसमें मैंने इतना अदरक, इतना लहसुन लिया है, पीस लूंगी। उसमें हरी मिर्च और एक टमाटर डालूंगी। टमाटर एक ही देना है, ज़्यादा खट्टा नहीं करना है, सिर्फ एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा टमाटर लिया है मैंने। ये देखिए, मैंने आटे को छान लिया है, ये आटा बोल रही हूँ, सॉरी, बेसन को छान लिया है। उसमें मैंने 1 चम्मच सेंधा नमक दिया है। हम ग्रेवी में भी नमक देंगे, इसलिए इसमें हम थोड़ा सा ही नमक डालेंगे बेसन में। ये धनिया का पाउडर डाल दिया है, 1 चम्मच हल्दी डाल दी है मैंने, और इसमें मैं थोड़ा सा अजवाइन डालूंगी, क्योंकि बेसन गट्टे की जो सब्जी होती है थोड़ा हैवी होता है, तो उसमें आप अजवाइन भी ज़रूर डालें। ये देखिए, मैंने मेथी का पत्ता डाला है। इसमें आप धनिया का पत्ता भी डाल सकते हैं, बिना मेथी, बिना धनिया के भी सिर्फ बेसन से ही बना सकते हैं। आप जितना सर्दियों में जितना साग खाएंगे ना, उतना ही अच्छा है, फाइबर होता है साग में। दाल में डालिए साग, आटे में डालिए, गट्टे की सब्जी में डालिए, जैसे हो सके आप ज़्यादा से ज़्यादा साग खाने की कोशिश करिए। देखिए, मेरे पास मेथी था, मेरा किचन गार्डन से निकला हुआ था, तो मैंने इसमें मेथी डाल दिया। अगर मेथी नहीं होती तो फिर मैं धनिया के पत्ते डालती इसमें, अच्छा लगता है, खुशबू भी अच्छी आती है मेथी डालने से। जैसे आप चाय या मटरी खाते हैं, मटरी में भी जब मेथी होता है कितनी अच्छी लगती है मटरी। ये देखिए, मैंने आटे को मोयन दिया पहले अच्छे से, और फिर धीरे धीरे पानी डाल के उसको गूंथ लिया। उसको टाइट नहीं गूंथना है, ऐसे ही गूंथना है, धीरे धीरे, सॉफ्ट सॉफ्ट सा। ये देखिए, मैं हाथ में तेल लेके स्टीमर में तेल लगा दूंगी। ये अभी बाबू पता नहीं कुर्सी पटकने लग गया था, फिर मैं उसको देख के फिर अभी आई हूँ। तेल लगा दिया दोस्तों मैंने स्टीमर में नीचे। अब मैं बेसन को बराबर मात्रा में लोई बना लूंगी। लोई बना के इसको बिल्कुल देखिएगा, लंबा लंबा हाथ से शेप देके आपको समान मात्रा में लोई लेके, एक ठीक, ना मोटा ना पतला, ऐसे शेप में बनाना है।
राजस्थान में तो ये सब्जी बहुत खाई जाती है, गट्टे की सब्जी, कढ़ी, छोला, राजमा, काले चने की सब्जी। क्योंकि वहाँ पे सुना है पहले सब्जी तो होती नहीं थी ज़्यादा, अब शायद होती होगी तो मालूम नहीं, वहाँ पे ये सब बहुत खाया जाता है। जैसे आप इधर आएंगे यूपी उत्तरांचल इस तरफ, तो छोले भटूरे, पूड़ी, सब्जी, साग सब्जी सब मिलता है इधर खाने को। आप होटल में जाएंगे कहीं घर में, तो वहाँ पे आपको गट्टे की सब्जी भी मिलेगी हर जगह, होटल में, ढाबे में, कढ़ी, गट्टे की सब्जी ये सब। जैसे जब सर्दियाँ आती है, गोभी नया नया कोई भी सब्जी आता है तो अच्छा लगता है खाने में, गोभी, आलू, मटर, पालक, सरसों। फिर जब फरवरी मार्च आता है, ये सब सब्जी खाने में अच्छा नहीं लगता है, रोज़ यही सब सब्जी खा खा के बोर हो जाते हैं। तो आप इस तरह से गट्टे की सब्जी घर में बना सकते हैं। बरसात में भी ये सब्जी खाने में अच्छी लगती है, जब कुछ सब्जी नहीं होती है तो घर में तो बेसन सभी के रहते हैं। आप इस तरह से गट्टे की सब्जी घर में बनाइएगा, सभी को बहुत अच्छी लगती है, बच्चे बड़े सभी खाते हैं, सभी पसंद करते हैं, बहुत टेस्टी बनता है। तो मैंने अभी 2 दिन 3 दिन पहले इसको बनाया है सब्जी, कुछ मन नहीं कर रहा था, गोभी खा खा के बोर हो गई थी, रोज़ आलू मटर साग गोभी खा के, तो मैंने गट्टे की सब्जी बनाई। देखिए मैंने सभी को इस तरह से लंबा लंबा एक समान मात्रा में, लंबा लंबा एक ही साइज में कर लिया है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है इसमें। आपको मोयन अच्छे से देना है, जितना मोयन अच्छे से देंगे उतना ही सॉफ्ट बनेगा। देखिए मैंने कर लिया है, अब नीचे मैंने स्टीमर में 1.5 गिलास भर के पानी डाला है, पानी गर्म हो गया है। अब इसको इसी तरह से एक एक करके स्टीमर में हम रख देंगे, जो बड़े लंबे लंबे हैं उसको बीच में रखेंगे, जो छोटे हैं उसको साइड में रखेंगे, सब अच्छे से आ जाए। इसमें जब रखेंगे सब में थोड़ा थोड़ा गैप रखना है, क्योंकि जब ये स्टीम हो जाएगा तो ये फैल जाएगा और थोड़ा सा मोटा हो जाएगा, चिपक जाएगा, अगर गैप नहीं देंगे तो चिपक जाएगा, फिर निकालने में आपको दिक्कत होगी। देखिए मैंने सभी में थोड़ा थोड़ा गैप दे दिया है। अब मैं इसको ढक दूंगी, 25 मिनट के लिए मैं इसको स्टीम दूंगी। पानी गर्म हो गया है, अब मैं इसको ढक्कन लगा के ढक दूंगी, 25 मिनट की छुट्टी। अब फिर अब मैं दूसरा काम करूंगी, तब तक अब देखिए दोस्तों हो गया है, देखिए पहले से मोटा हो गया है, स्टीम करके स्टीम हो गया है। अब मैं इसको काटूंगी नहीं, इसको मैं 15 मिनट के लिए छोड़ दूंगी, ठंडा होगा, गरम गरम काटेंगे तो अच्छे से नहीं कटेगा, अगर हाथ में भी गरम लगेगा। तो जब ठंडा हो जाए 10-15 मिनट के बाद इसको काटिएगा। देखिए अब मैं इन सबको काटूंगी, कितने अच्छे से कट जाएगा, ठंडा हो गया है और सॉफ्ट, बिल्कुल सॉफ्ट बना है। सभी को एक ही साइज में काटना है। ये तो आप स्नैक्स की तरह भी खा सकते हैं, चाय के साथ। हम मैं और बाबू, हम तो काटते काटते ही हमने 6-7 ऐसे ही खा लिए हैं, बाबू को तो बहुत अच्छा लगता है। आप चाय चाय बनाते हैं, चाय के साथ छौंक दीजिए इसको, मतलब चाय के साथ इसको खा सकते हैं, जीरे के साथ छौंक दीजिए, नमक मिर्च दे के, नमक तो खैर डला हुआ है, नमक की ज़रूरत नहीं है, आप बिना छौंके इसको ऐसे ही चाय के साथ खाइए बॉयल, बहुत अच्छा लगता है, ये बहुत ही टेस्टी लगता है, पेट भर जाता है, बेसन तो हैवी होता है, पेट, नाश्ता सुबह एक कटोरी लेके खाइए चाय के साथ, पेट भर जाता है। ये देखिए मैं अब सब काट रही हूँ, इसको आप प्लेन भी बनाइए बिना धनिया और मेथी के, वो भी बहुत अच्छा लगता है। पालक के भी साग इसमें मिला के काट के बना सकते हैं। साग तो जितना ज़्यादा कोशिश करेंगे खाने की उतनी अच्छा है सर्दियों में। देखिए तेल गर्म हो गया है, अब मैं इसमें मसाला डाल दूंगी। मसाले में वही है, अदरक, लहसुन, मिर्च और एक छोटा सा टमाटर। बाबू रो रहा है, देख के आती हूँ। आज पहली बार वो वॉइस ओवर करते टाइम इस तरह से रो रहा है, उसको खिलौने दे देती हूँ तो वो खेलता रहता है। आज पता नहीं देख रहा है कि मम्मी वॉइस ओवर कर रही है, तो पता नहीं क्या हो गया, दे के आई उसको दूसरा नया खिलौना। देखिए दोस्तों इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाला है, धनिया पाउडर इसमें भी दिया है, नमक मैंने गट्टे की सब्जी में भी दिया था तो उसी हिसाब से मैं इसमें भी नमक दूंगी, हल्दी दे दिया है।
ये थोड़ा सा हींग दिया है। आप इसमें अमचूर पाउडर भी दे सकते हैं, मैं अमचूर पाउडर नहीं दूंगी। तो एक छोटा सा टमाटर तो दिया ही है, तो ज़्यादा खट्टा मुझे इसमें अच्छा नहीं लगता है। देखिए अब मसालों को मैं धीमे आंच पे भून रही हूँ, मसाला थोड़ा सा भुना हुआ हो गया है। अब मैं इसमें गट्टे की सब्जी डाल के उसको भी इसमें भूनूंगी। इसमें तेल थोड़ा सा ज़्यादा दिया है क्योंकि मुझे इसमें गट्टे को भी भूनना है इसी तेल में। वो सामने बाबू खड़ा हुआ देख रहा है मुझे, मम्मी वीडियो बना रही है। ये डाल दिया है मैंने, अब इसको मैं धीमी आंच पे इसको भी भूनूंगी। वैसे तो कुछ लोग पहले गट्टे को भून लेते हैं अलग से तेल में, फिर इसको मसाले में फिर तेल डाल के फिर मसाला भून के फिर उसमें गट्टे को डालते हैं, पर मैं वैसा नहीं करती हूँ, ज़्यादा तेल लगता है। तो मैं जब मसाला भूनती हूँ उसी में थोड़ा सा नमक को थोड़ा सा ज़्यादा तेल देती हूँ, उसी में गट्टे को भून लेती हूँ। देखिए जैसे आप देख रहे हैं, अब मैंने धीमी आँच पे ढाक दिया है 2-3 मिनट के लिए। मसाला भी भून गया है, गट्टा भी भून गया है। अब मैं इसमें 1 गिलास मैंने पानी डाल दिया है, अब उसका ग्रेवी बनाऊंगी। आप जितना देखा आपने कि मैंने पानी डाला है, ये देखिए पानी डाला है कितना, आप देख रहे हैं कि बहुत सारा पानी है इसमें, पर पानी ज़्यादा ही डालना है क्योंकि जब ये ठंडा होगा ये बेसन जो गट्टा है ये सोख लेगा पानी को, बहुत सारा गाढ़ा हो जाएगा, जितना पानी है उससे आधा हो जाएगा। देखिए मैंने अभी गरम मसाला डाला है और ये धनिया डाल दिया है। गरम मसाले आप पहले भी डाल सकते हैं, मसाले भूनते टाइम लास्ट में भी डाल सकते हैं, कैसे भी आप आपको सही लगे आप डाल सकते हैं। देखिए गट्टे की सब्जी हमारी तैयार हो गई है। बैठ के पी लो पानी। हाँ जी बैठ के पी लो, सब पी रहे हैं। बैठ के पिया करो तो सही रहता है, घुटनों में दर्द नहीं होगा ना, पैरों में भी दर्द नहीं होगा। ठीक है, जब आपके बेटे ने बताया तो फिर आपने शुरू में क्यों नहीं किया? अरे कर लेती थी फिर भूल जाती थी। आपका बेटा पीता है ना? हाँ बेटा। सही, बैठ के पियो। मुझे तो एक प्रोग्राम में रामदेव जी ने भी बताया था कि पानी बैठ के पीने से घुटनों में दर्द नहीं होता है। सही है, और लहसुन भी खाया करो, जैसे अभी सर्दियाँ हैं तो कच्चा लहसुन खाओ, घुटने के दर्द नहीं होंगे। मैं जैसे सुबह खाती हूँ, 3-4 सुबह खा लेती हूँ और 2-3 शाम को खा लेती हूँ कच्चे लहसुन। हाँ वो तो है ही, उससे भी आराम चाहिए, आराम रहेगा। लहसुन से तो बहुत फायदा होते हैं। हाँ लहसुन से, हाँ गाड़ियाँ इतनी जाती है ना यहाँ से, आवाज़ भी पता नहीं सुनाई देगी, नहीं सुनाएगा वीडियो में। नहीं तेज से बोलो और वीडियो से सुनाई देगा। लहसुन से देखो जैसे गैस की प्रॉब्लम भी ठीक होती है, और शरीर में कहीं सूजन होगा ना तो सूजन में भी आराम आएगा, उस चीज़ से आराम होता है। सुबह सुबह खानी है? हाँ सुबह क्या, अब शाम को भी खा सकते हो। मैं तो सुबह जैसे कच्चा नहीं खाया जा सकता तो कभी बादाम के साथ चबा लेती हूँ, कभी जैसे रोटी खाती हूँ नाश्ते में तो रोटी के साथ सब्जी लगाती हूँ तो उसमें एक फांक उसमें डाल के चबा लेती हूँ। सर्दियों में ज़्यादा खाती हूँ। हाँ गर्मियों में थोड़ा कम होगा ना, गर्मियों में जैसे कभी एक कभी दो। जून जुलाई नहीं खाती, जून जुलाई अगस्त नहीं खाती, जैसे गर्मी होती है शरीर में, है ना? तो ऐसे